नमस्कार दोस्तों, मैं आज 140 मशीन में हाइड्रोलिक फिल्टर कैसे हम चेंज करते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलते हैं हाइड्रोलिक फिल्टर के ऊपर और चेंज करते हैं। हाइड्रोलिक फिल्टर कैसे चेंज करते हैं वो दिखाते हैं आपको। इसमें ना हाइड्रोलिक टैंक के ऊपर में दो प्लेट मिलेगा, तो ये वाली जो प्लेट है ये हाइड्रोलिक रिटर्न लाइन फिल्टर रहता है। इसमें बड़े वाली जो फिल्टर रहता है, हाँ इसमें रहता है। तो ये प्लेट को खोलना है और ये प्लेट खोलने के बाद इसके अंदर आपको बड़े वाले हाइड्रोलिक फिल्टर मिल जाएगा। और इसमें जो हम हाइड्रोलिक फिल्टर चेंज करते हैं ये 1000 घंटे पे हम चेंज करते हैं। एक बारी कंपनी का डालना है और 1000 घंटे पे हम एक बार हाइड्रोलिक फिल्टर चेंज करते हैं। अब ये है हमारा हाइड्रोलिक फिल्टर, पकड़ना पाजी, ये देख लो, ये जेन्यून है, कंपनी का हाइड्रोलिक फिल्टर है। इसको हम 1000 घंटे पे रिप्लेस कर रहे हैं। ये देख रहे हो पूरा स्टिकर वगैरह लगा हुआ है, कंपनी का पूरा मार्किंग। इसको खोलेंगे हम तो ऐसा निकलेगा फिल्टर, उसको साइड कर दो, ये निकलेगा। ये नया फिल्टर है हमारा हाइड्रोलिक फिल्टर पेटी पैक। इसमें जो रहेगा ये जो नीचे जो देख रहे हो, ये वाली जो पोर्शन देख रहे हो आप, ये क्या है कि आपका नीचे जाएगा और ये ऊपर रहेगा। खोल के दिखाऊँ आपको, जो कंपनी का फिल्टर रहेगा उसके ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, ये देखना, मेड इन कोरिया का ये फिल्टर बना हुआ है। और ये देखो इसके ऊपर ये कोरियन कंपनी हुंडई की, इसको दिखाऊँ आपको, ये मेड इन कोरिया दिखाई दे रहा, हाँ ये कोरिया है, कोरिया का बना हुआ है फिल्टर ये। और ये हुंडई, ये हुंडई ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको। निकालते हैं इसमें, देखते हैं कौन सा फिल्टर लगा हुआ है। चलो जी निकालो। खोलने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एयर यहाँ से हम रिलीज़ करेंगे। सबसे पहले ये है ना, एयर के लिए ब्रीदर लगा रखा है, एयर रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने के बाद फिर हम ये वाली निकालेंगे, ऊपर वाली प्लेट, फिर स्प्रिंग, फिर ये चेक वाल्व। निकालो चेक वाल्व, हाइड्रोलिक इसमें वापस डाल दो। चक दिए, चको, चक दो, चक दो, एक मिनट रुको रुको। हाँ ये देखो, ये देख रहे हो ओरिजिनल फिल्टर लगा हुआ है ये। और ये देखो इस पे लिखा भी हुआ है, पकड़ा दोनों पाजी, दोनों हाथ, दोनों हाथ, हाँ एकदम हाइड्रोलिक वाल फ्रेश है, नया है। और ये देखो हुंडई लिखा हुआ है, ऐसा फिल्टर मिलेगा। अब दोनों फिल्टर को हम दिखाऊँ आपको, तो ये है, ये वाली नया है और ये वाली 1000 घंटा चल गया है। तो हाइड्रोलिक फिल्टर जो है हमारा इसके अंदर, ये वाली टैंक के अंदर रहता है, दो टैंक, ये हाइड्रोलिक टैंक रहता है इसमें दो रहता है। ये वाली जो है इसमें स्टेनर मिलेगा, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, जब हाइड्रोलिक चेंज करते हैं उस टाइम में डायरेक्ट रिप्लेस होता है। ये हाइड्रोलिक फिल्टर का टैंक है। तो हम हाइड्रोलिक फिल्टर को निकाल दिए, अब क्या करते हैं इसको हम साइड कर दें। ये दे दो, ये साइड हम करके इसको सेफ जगह पे हम रख देते हैं, हो गया। अब क्या है कि हमें हाइड्रोलिक फिल्टर दोबारा इसके अंदर डालना है, तो ध्यान रहे यहाँ पे इसकी, हाइड्रोलिक फिल्टर जो है ना कहीं पे भी रखोगे तो मिट्टी ना जाना चाहिए, अगर मिट्टी गया तो फिर फिल्टर का कोई फायदा नहीं है। अब ये साफ़ करो, इसके गर्दन के ऊपर का पूरा मिट्टी साफ़ करो, नीचे ना जाए, ध्यान रखना। हाँ ये पूरा देख लो साफ कर रहे हैं, ठीक है, मार दो मार दो मार दो मार दो, हाँ बस साफ हो गया। अब जो है ये लिफाफा इसके अंदर से निकालना, उतारना है, देखना बस, ठीक है। अब ये देखो फिल्टर हम डाल रहे हैं, हाइड्रोलिक फिल्टर, पकड़ना पाजी, ये है। अब इसके अंदर इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल जो करेंगे ना तो इसका दो पोर्शन होता है, इसको उल्टा नहीं कर डालना है। ये चीज़ जो है ना ये नीचे रहेगा और ये चीज़ ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डालना है, डाल दो, गया ये फिल्टर, बैठाओ, ये फिल्टर गया, नीचे जो है ना इसकी जगह बना हुआ रहता है, इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा। तो इस तरीके से लगेगा आपको, इसके ऊपर हमें जो डालना होता है चेक वाल्व डालना होता है, इसको बाईपास वाल्व बोलते हैं। ये डाल दिया हमने वाल्व, इसके ऊपर स्प्रिंग, हमारा ये पूरा साफ़ है, रबर डालेंगे,
प्लेट के ऊपर से रबर पहले निकालो, ये प्लेट पे चिपक रखा है रबर, ये रबर के लिए है कि अगर मान लो हाइड्रोलिक ऑयल ऊपर आता है तो रबर जो है बाहर निकलने नहीं देगा। रुक जा, जब इतना हो जाएगा उसके बाद क्या करना है कि बढ़िया से हम इसको चंगी तरीके से साफ़ करेंगे। साफ कर दिया, मिट्टी ना जाना चाहिए हाइड्रोलिक के अंदर में, ध्यान रखे। और ये भी हो गया, और इस प्लेट को भी साफ़ करेंगे। ये हो गया हमारा साफ, ये हो गया साफ। अब जो है हम इसके अंदर में एक बार चकना पाजी पर पुट्ठा दिखाई हो, पुट्ठा दिखा, हाँ देखो इस तरीके से जो है रखना है साफ, जो है ना हो गया इस तरीके से साफ करना है हमें। साफ करके अब डाल दो, ध्यान कितना हम लोग रख रहे हैं, साफ सफाई का सबसे बहुत अहम रहता है इसमें। सर्विस करना बड़ी बात नहीं है, सफाई सबसे बहुत ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, स्प्रिंग है ये ऊपर की ओर है तो इसको पुश करेंगे। चलो लगाओ बोल्ट, पुश करके फिर हम इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। ये हमारा हो गया हाइड्रोलिक फिल्टर चेंज। तो इस तरीके से हम हाइड्रोलिक फिल्टर को हम रिप्लेस करते हैं। सीख लिया आपने हाइड्रोलिक फिल्टर कैसे चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलेंगे। ओके।